फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शुभम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लेकर के आए ये मैदे वाला केक। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते कि हमने ये रेसिपी कैसे बनाई है। यहाँ पर मैंने केक बनाने के लिए 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है, पूरा बराबर लिया है ये हमने। और फिर मैंने उसी का आधा कटोरी मतलब 1 कटोरी मैंने लिया है पीसी हुई चीनी। और फिर मैंने लिया ये दही, ये हमने ताज़ा दही लिया, और मैंने ये 2 चम्मच लिया है। और फिर मैंने ये 1/4 हिस्सा लिया है, मैंने 1/4 चम्मच लिया है मैंने ये घी। अगर आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। घी हमें जितना कम हो सके उतना ही यूज़ करना है, क्योंकि घी अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा केक अच्छी तरीके से बेक नहीं हो पाएगा, वो बहुत ही चिपचिपा लगेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं केक बनाने के लिए यहाँ पर मैं पहले डालूँगी ये घी जो मैंने 2 चम्मच लिया था, ये हमने माप से ही लिया था तो आप भी माप से ही लेना। और फिर मैं ये डाल दूँगी 1 कटोरी शक्कर जो हमने लिया था, ये मैं पूरा डाल दूँगी। और फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मैं बीटर से मिक्स कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, इसे मैं एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर रही हूँ। एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करेंगे तो हमारा केक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथ बनेगा। अभी मेरा 5 मिनट तक हो चुका है, ये मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से घुमाया था। अभी मैं इसमें मैदा डाल दूँगी, मैं मैदा को छान लूँगी। इसमें पहले ये 1 कटोरी मैदा लिया था, अभी मैं उसे अच्छी तरीके से छान लूँगी। अगर आप चाहें तो छान सकते हैं, क्योंकि इसमें मोटे मोटे अगर जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो निकल जाएंगे। अभी मैं इसमें ये दही डाल दूँगी जो मैंने 2 चम्मच लिया था, हमने मैदा को अच्छी तरीके से छान लिया था। अभी मैं ये दही डाल दूँगी, इसमें हम थोड़ा खट्टापन आने के लिए ये दही यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास विनेगर हो तो आप विनेगर, या फिर नींबू हो तो नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मिक्स कर लूँगी। एक ही साथ में हम पानी डालेंगे नहीं, वरना हमारा अच्छी तरीके से बैटर मिक्स नहीं हो पाएगा। इसे मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, अभी हमने बीटर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो बीटर से अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता, इसीलिए हम चम्मच का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अभी तक हमारा बैटर अभी अच्छे से बना नहीं है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अभी और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। तो देखिए अभी मैंने ये बैटर अच्छी तरीके से फेंट लिया है, इसमें मैं ये डाल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है, कितनी अच्छा लग रहा है ये। और फिर मैं ये अभी डाल दूँगी बेकिंग सोडा, ये मैंने पूरा बराबर लिया है 1/2 चम्मच। और फिर मैं डाल दूँगी 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, और फिर मैं इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। लेकिन हमें इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, सिर्फ हम थोड़ी देर इसमें मिक्स करेंगे। और ये मैं थोड़ा सा सिर्फ डाल दूँगी पानी, और फिर मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने ये ग्रीस कर लिया इसको घी से, अगर आप चाहें तो तेल से भी ग्रीस कर सकते हैं। ये मैंने बर्तन लिया जिसमें हम केक को बेक करेंगे, उसमें मैं घी लगा दे रही हूँ अभी। और फिर मैंने ये बटर पेपर लिया है, ये मैंने मतलब सिंपल पेपर ही लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी मैं अभी थोड़ा सा घी लगा करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और इसे अच्छी तरीके से फैला दूँगी। तो देखिए अभी मैंने ये मिला लिया है सोडा में जो मैंने लिया था, और फिर मैं अभी इसको मैं बर्तन में डाल दूँगी जिसमें हम केक को बेक करेंगे। तो देखिए अभी मैंने ये केक का जो मैंने बैटर बनाया था उसे मैंने बर्तन में निकाल लिया है। अभी मैं इसे थोड़ा फ्लैट कर लूँगी हिला के, तो अच्छी तरीके से हमारा केक पूरा फ्लैट हो जाएगा। हम केक को इडली के सांचे में बनाने वाले, तो यहाँ पर मैंने इडली का सांचा 10 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, और अभी मेरा ये इडली का सांचा भी प्रीहीट हो चुका है। अभी मैं ये केक रख दूँगी इसमें, और इसमें मैंने नमक का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसे ढक दूँगी, और लो फ्लेम पर हम इसे कम से कम 25 मिनट के लिए रखेंगे। तो देखिए अब मेरा 30 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे निकाल दूँगी और देखूँगी कि हमारा केक अच्छी तरीके से बेक हुआ है कि नहीं। तो अभी मैं ये देखिए कितने अच्छी तरीके से बेक हो चुका है, इसे मैं थोड़ा छू करके देख रही हूँ, और मैं ये थोड़ा टूथपिक डाल करके देखूँगी कि ये बेक हुआ है कि नहीं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर कुछ भी लगा नहीं है ये काटी के ऊपर, तो मतलब हमारा केक अच्छी तरीके से बेक। अभी मैं इसे थोड़ी देर और 5 मिनट के लिए कम से कम लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर ढक करके रख दूँगी पकने के लिए। और
तो देखिए अभी मैंने ये 10 मिनट के लिए और रखा था, तो मेरा ये अभी पक चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं इसे निकाल दूंगी। तो देखिए अभी मेरा ये केक ठंडा हो चुका है। अभी मैं थोड़ा नाइफ से इसे बाजू बाजू से थोड़ा इसे खोल दूंगी और फिर मैं इसे निकाल लूंगी। तो देखिए अभी मैंने ये निकाल लिया है। अभी मैं इसका जो बटर पेपर है ऊपर से वो भी मैं निकाल दूंगी। तो देखिए हमारा केक अच्छी तरीके से कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और कितना सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है ये। तो देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है ये। अब मैं इसे डेकोरेट करना शुरू करूँगी। मुझे अभी केक में बीच में क्रीम भरना है, तो अभी मैं थोड़ा सा इसे नाइफ से बीच में से थोड़ा सा कट कर लूँगी और फिर मैं ये धागे से इसे अच्छी तरीके से निकाल लूँगी, तो हमारा केक अच्छी तरीके से बीच में से कट हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने ये काट लिया है अच्छी तरीके से। ये हमने केक ठंडा होने के बाद ही काटा था। देखिए कितना अच्छी तरीके से हमारा बीच में से कटा हुआ है, और कितने अच्छी तरीके से देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ये। ये मैंने ठंडा होने के बाद ही केक काटा था। अगर आप गर्म होने पर केक काटेंगे तो हमारा केक अच्छी तरीके से नहीं कट पाएगा। अभी मैं ये नीचे से थोड़ा सा क्रीम लगा दूंगी ताकि हमारा केक फिसले नहीं। तो अभी मैंने ये क्रीम लगा दिया है। अभी मैं ये जो मेरा एक नीचे वाला था केक वो मैं लगा दूंगी, और उसके ऊपर से भी हम अभी क्रीम लगा देंगे। अभी मैं क्रीम लगाने से पहले इस पर थोड़ा शुगर सिरप लगा दूंगी। इसमें मैंने गर्म पानी लिया था और चीनी लिया था, उसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। तो अभी हमारा शुगर सिरप बन चुका है और ये मैंने लगा दिया है केक पर, और फिर हम इसके ऊपर से क्रीम लगा देंगे जो हमने बनाया था। हमने क्रीम की रेसिपी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप उसे भी देख सकते हैं और ये क्रीम बना सकते हैं। क्रीम लगा दिया है। अभी मैं इसको ऊपर से जो मैंने केक दूसरा वाला था वो मैं रख दूंगी, और इसके ऊपर से भी हम क्रीम लगा देंगे। तो देखिए अभी मैंने ये साइड से और अंदर से भी क्रीम लगा लिया है। अभी मैं ऊपर से ये जो मैंने चॉकलेट गैनाज बनाया था उसे मैं लगा लूँगी अच्छी तरीके से, और मैं घुमा दूँगी पहले इसको, और थोड़ा अपनी तरीके से ये अपने से स्प्रेड हो जाए, और फिर मैं ये चम्मच से इसे स्प्रेड कर लूँ अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी इसको डेकोरेट कर लिया। ऊपर से मैंने चॉकलेट गनाज लगाया था, और फिर उसके ऊपर से मैंने ये बादाम कद्दूकस किया था पतला सा, वो लगा दिया है, और फिर मैंने ये जो आधा आधा बादाम काटा था वो लगा दिया है। तो कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।